आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनपद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया शुभारंभ। जिलाधिकारी का बयान, मेरी माटी मेरा देश हर वर्ग हर समुदाय को अपने राष्ट्र के प्रति कृत संकल्पित करेगा। विकासखंड ज्ञानपुर के ग्राम पंचायत वारी से जिलाधिकारी गौरांग राठी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का किया भव्य व दिव्य शुभारंभ। शिलापट का पूजन कर शहीदों को किया नमन। शहीदों के खून से सिंचित गाँव की मिट्टी को अमृत कलश में किया अर्पित। जिलाधिकारी ने पंच प्रण की शपथ दिलाकर अपनी विरासत पर गर्व एवं एकता एकजुटता का दिया संदेश। हर घर तिरंगा के अंतर्गत जनपदवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील। 9 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव योजना के समापन समारोह में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत आज विकास खंड ज्ञानपुर के ग्राम पंचायत सचिवालय वारी में जिलाधिकारी गौरांग राठी व मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने पंच प्रण लेकर कार्यक्रम का भव्य व दिव्य शुभारंभ किया। कार्यक्रम शुभारंभ में ब्लॉक प्रमुख आरती सिंह, जिलाधिकारी गौरांग राठी, मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह, ग्राम प्रधान ने शिलापट का पूजन कर शहीदों को नमन किया। शहीदों के खून से सिंचित गांव की मिट्टी को अमृत कलश में अर्पित किया। ब्लॉक प्रमुख व जिलाधिकारी द्वारा स्मारक स्थल पर एकत्रित ग्रामीणों को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई तथा लोगों ने उत्साह व उमंग पूर्वक सेल्फी लेकर मेरी माटी मेरा देश वेबसाइट पर अपलोड किया तथा ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उपयुक्त कार्यक्रम के साथ ही जनपद के समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालयों, बेसिक माध्यमिक डिग्री कॉलेज के समस्त स्कूल कॉलेजों, संस्थाओं, संगठनों, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, समस्त नगरीय निकाय कार्यालय, खंड विकास कार्यालयों, ग्राम पंचायत सचिवालय सहित आम जनमानस में बड़ी संख्या में कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए अमृतकाल की पंच प्रण की शपथ ली। विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता व एकजुटता, नागरिकों में कर्तव्य की भावना के विचारों को आत्मसात करते हुए शपथ लिया गया कि मैं शपथ लेता हूँ कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करूंगा और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। पंचायत सचिवालय वारी के प्रांगण में स्थित कंपोजिट विद्यालय वारी की स्वागत गीत गाने वाली कक्षा 7 की छात्रा सुनैना राशि व देशभक्ति गीत गायन करने वाली छात्रा रविता गौतम की शानदार प्रस्तुति पर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी व ब्लॉक प्रमुख ने राजकीय चिन्ह चतुर्मुखी शीर्ष अशोक स्तंभ सीनरी देकर पुरस्कृत व सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कंपोजिट विद्यालय के छात्र छात्राओं को राजकीय चिन्ह अशोक की लाट, सत्यमेव जयते व अमृतकाल के पंच प्रण के बारे में विस्तार से समझाया। छात्र छात्राओं से संवाद के क्रम में जिलाधिकारी ने उन्हें वाराणसी शैक्षिक भ्रमण कराने का तोहफा दिया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जनमानस की समस्याओं का समाधान करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन कार्यक्रम के द्वारा पूरे देश में मातृभूमि को नमन करते हुए देश की माटी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले मां भारती के सपूतों, त्याग व बलिदान के प्रति सारा देश कृतज्ञ है। धन्य है हमारी मातृभूमि जिन्होंने स्वाधीनता समर की यज्ञ वेदी में अपनी प्राणों की आहुति दी। इस भूमि में पैदा होने के कारण हम भी इस भूमि से जुड़े हुए हैं और देशभक्ति की भावना जो मिट्टी व इसके लोगों में व्याप्त है। मेरी माटी मेरा देश शुभारंभ अवसर पर पंचायत सचिवालय वारी में मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह व ब्लॉक प्रमुख ने जन चौपाल लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए अधिकारियों को समय से निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान विपिन सिंह, सचिव गुरदयाल गुप्ता द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में कंपोजिट विद्यालय वारी के समस्त शिक्षक स्टाफ, विद्यार्थीगण व ग्रामवासी उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार और शासन के निर्देशों के क्रम में 9 अगस्त जो आज पहला दिन है मेरी माटी मेरा देश अभियान का, उसमें समस्त ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां पर न केवल पंच प्रण लिए गए बल्कि शिला फलक्रम का भी शिलान्यास किया गया। आजवारी गांव में भी इसी प्रकार से मेरे द्वारा और मेरे साथ डॉक्टर मुख मैडम, CDO साहब और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गाँव के सम्मानित नागरिकगण थे, उनके समक्ष ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। भावना यह है कि आज चूँकि पहला दिन है और हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट और साथ साथ काकोरी कांड से भी यह दिवस जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्रीय इतिहास में, राष्ट्र निर्माण के इतिहास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत अहम दिन है। तो जोर शोर से मनाते हुए पूरे जनपद में इस अभियान को आगे ले जाया जाएगा और इसी प्रकार से प्रत्येक दिन शीर्ष अधिकारी विभिन्न गाँवों में जाएंगे, इससे सुनिश्चित किया जाए कि हर गांव इसमें और हर नागरिक इसमें ज़्यादा संख्या में सम्मिलित हो सके और जो देश प्रेम की भावना का संचालन और आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उसको हम साकार कर सकें। हमारे जनपद में भी बहुत शीघ्र ही शहीद स्मारक का निर्माण होने वाला है, विनम्र क्षेत्र प्राधिकरण से इसको पैसा दिया गया है नगर पालिका गोपीगंज को, तो वो ऐसे स्थल भी हम अपने ना केवल वाराणसी जो आसपास के क्षेत्र में वहाँ पे बच्चों को विजिट कराया जाएगा बल्कि अपने जनपद में भी विकास करके ऐसे स्थलों का, क्योंकि हमारे जनपद में भी 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो उनके लिए स्मारक जब एक बार समर्पित हो जाएगा, लोक समर्पित हो जाएगा, तो वहाँ भी बच्चे हमारे सब जा पाएंगे और कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ना केवल वो विमुख होंगे एक शहीद स्मारक के प्रति बल्कि उनके अंदर वो भावनाएं भी जागृत होंगी, जो कि ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी 15 अगस्त। सर, मेरी माटी मेरा उद्देश्य क्या है, जनपद वासियों को इससे क्या, तब तो मिट्टी जा रही है दिल्ली, इसमें क्या संदेश जा रहा है? देखिए, मेरी माटी मेरा देश अभियान मुख्यतः अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो अपनी मिट्टी के प्रति लगाव और जुड़ाव महसूस करना है और उसके लिए जो भी कार्य और कर्तव्य का निर्वहन प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, उस भावना का विकास करना, उस भावना का और बढ़ाना और सबको एक रूपता से जोड़ना है। तो आज कलश प्रत्येक गांव में 2 कलश रखे गए हैं, जो कि एक कलश दिल्ली जाएगा, एक कलश लखनऊ जाएगा और पूरे देश भर से मिट्टी जो है भारत की मिट्टी है वो एकीकृत होकर एकीकरण की भावना का संचार करेंगे। तो हमारे जनपद में भी प्रत्येक गांव से पहले ब्लॉक में और ब्लॉक से फिर जनपद में इस मिट्टी को मिलाया जाएगा और अमृत वाटिका का यहाँ पे एक सृजन किया जाएगा, जिससे कि वो एक परिचारक होंगी और प्रतीक होंगी एकीकृत भदोही की भावना का। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।